तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू सोया की रेसिपी, और यानी कि सब्ज़ी, और दिखा देता हूँ आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने सोया को धो लिया था एंड उसका ये सारा इंग्रेडिएंट्स है। 4 आलू लिए, 2 प्याज लिए एंड अब प्याज को हम चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक, लंबा लंबा बारीक बारीक। तो लंबा लंबा हम प्याज चॉप कर लेंगे, कुछ लंबा लंबा, आधा आधा बारीक बारीक चॉप करेंगे। प्याज चॉप कर लिया दोस्तों, गैस को ऑन करते, गैस ऑन करने के बाद इसमें डालते हैं ऑयल। तो मैं फॉर्चून ऑयल यूज कर रहा हूँ। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, इसको 10 सेकंड पका लेंगे। पकाने के बाद डालेंगे प्याज, और प्याज को भी हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन वो निकल जाए सारा। 1/4 चम्मच हींग, चलिए हरी मिर्च और टमाटर को भी चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक। फाइनली दोस्तों, प्याज हमने इतना ही पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना है। लेकिन मैं टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं, तो टमाटर ऐड करने के बाद अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसमें सबसे पहले हल्दी, धनिया पाउडर 1.5 से 1.5 चम्मच, नमक, हल्दी पाउडर। तो दोस्तों मैंने बस 3 ही मसाले यूज किए, ज़्यादा नहीं, नमक और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। एंड अब आलूओं को भी छील लेते हैं और बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। तो छोटे छोटे पीसेस में चॉप करेंगे ताकि इससे क्या होगा दोस्तों, आलू जल्दी पक जाएंगे। ज़्यादा बड़े कर देंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि सोया तो हरा हो, मतलब नरम हो तो जल्दी पक जाएगा। तो आलू को क्या 10 मिनट आलू को ऐसे ही पकाएंगे, ढक देंगे और 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक हम सोया काट लेते हैं, ये हरा सोया है दोस्तों। तो फटाफट हरा सोया काट लेते हैं। फाइनली हमने हरा सोया भी काट लिया था, ऐड करेंगे हरा सोया और पका लेते हैं इसको करीब करीब आधा घंटा के लिए हम पकने देते हैं, छोड़ देते हैं। और पकने के बाद सो फाइनली दोस्तों, ऑलमोस्ट हमारी सब्जी हाफ कुक हो चुकी है एंड थोड़ी देर और पकाएंगे, उसके बाद हमारी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी।